गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी रामा जी इधर मीटिंग में है। अभी प्रभु भोज का व्यवस्था किया गया है। यहाँ सभी लोग जो अलग अलग राज्य से आए हुए लोगों को प्रभु भोज की व्यवस्था किया गया है कि जो इंसान, जो मसीह इंसान जो प्रभु के आज्ञा अनुसार चलता है, उसके नियम अनुसार चलता है, वो ही प्रभु भोज में शामिल हो सकता है। अगर कोई व्यसन इस्तेमाल करता है, अपने जुबा से गलत वर्ड्स निकालता है और दूसरे की कुड़कुड़ाहट करता है, जो सही रीति से जिंदगी नहीं जीता है, वो प्रभु भोज में शामिल नहीं हो सकता। तो अगर जो इंसान शामिल होता है, वो रोटी का और द्राक्ष रस का वो गुनहगार बनता है। तो जो इंसान सही जिंदगी जीता है, मसीह के आज्ञा अनुसार चलता है, वो ही प्रभु भोज में शामिल हो सकता है। वही प्रभु भोज में शामिल हो सकता है, द्राक्ष रस का और रोटी में ले सकता है। तो सभी को सूचन किया गया है कि हम अगर आज्ञा अनुसार नहीं चलते हैं तो इस प्रभु भोज में शामिल होके हम गुनहगार नहीं बनना है। तो दोस्तों, मैं भी शामिल नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं किस राह में चल रहा हूँ और प्रभु ने मुझसे बातें किया है कि बेटा, मैं तेरा उठना बैठना सब जानता हूँ। अगर प्रभु भोज में शामिल होगा और फिर तू सही राह में नहीं चलेगा तो आप गुनहगार बनेगा। इसलिए प्रभु ने जिस रीति से मुझसे बातें किया है, मैं प्रभु भोज में शामिल नहीं होगा। सभी लोग प्रभु भोज के लिए लाइन में एक एक करके सब उधर आगे लाइन में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, जो प्रभु भोज के बारे में जो अनजान है, उस लोगों के लिए आपके सम्मुख मैंने ये बातें रखी है। मैयर गाना गा रही है, मैं यहीं चेयर में बैठा हुआ हूँ, सब लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, आमीन, थैंक यू।